एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टू की बजवर्ड की ये बुक है, चैप्टर फोर, द मंकी बैंड। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बुक में देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं। तो क्या हैं ये एक्टिविटीज़? वार्म अप। अ बैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले म्यूजिक टुगेदर एंड हैव फन। बैंड मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब वहाँ पर कुछ ग्रुप होते हैं लोगों के जो कि म्यूजिक बजाते हैं साथ में। ओके, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिन्हें बजाते हैं और फन करते हैं, यानी इंजॉय करते हैं। ओके, अ बैंड कैन ऑल्सो हैव अ पर्सन हु सिंग्स वाइल द अदर्स प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और बैंड उसको भी कहा जाता है जिसमें एक पर्सन जो होता है वो गाना गाता है और जितने भी अदर पर्सन होते हैं वो म्यूजिक प्ले करते हैं, वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से। तो ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के यहाँ पर कुछ पजल्स दिए हुए हैं जिसे सॉल्व करना है, क्रॉस पजल्स है। ओके, तो जैसा जैसा इस पिक्चर में है ना, तो उस पिक्चर को यहाँ पर देखते हुए ये जो पजल्स हैं इन्हें सॉल्व करने हैं। ओके, तो मैं एक दो हिंट कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद से इसको ट्राई करो बनाने का, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है? गिटार है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या ढूंढेंगे? वन नंबर में गिटार। तो ये देखो, जी यू टी, यहाँ पर डबल टी होगा तो यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर आर। ओके, तो ये हो जाएगा गिटार। नेक्स्ट क्या है? ये है ड्रम। तो क्या हो जाएगा? नंबर टू में है तो देखो, ये नंबर टू है ना, तो यहाँ ड्रम हो जाएगा। डी आर, यहाँ यू एम तो ऑलरेडी है तो ये ड्रम हो जाएगा। बाकी के दो इसको खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट सेशन में जब भी लूँगी मैं इस चीज़ को, अगर नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट पढ़ के मैं इसको फिर बताऊँगी। लेकिन यू हैव टू ट्राई दिस, आपको ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। ओके, देन फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो मैं लाइन बाय लाइन इसको रीड करूंगी और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो फिर कंसंट्रेट ऑन योर बुक। मोगली वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ जंगल। ही वॉज वॉकिंग थ्रू द जंगल वन ब्राइट मॉर्निंग सिंगिंग अ मैरी सॉन्ग। ऑन द वे ही मेट हिज फ्रेंड बल्लू द बियर। मोगली एक छोटा लड़का होता है जो कि जंगल में रहता है। ओके, ही वॉज वॉकिंग थ्रू द जंगल, और वो जंगल के रास्ते से जा रहा होता है ब्राइट मॉर्निंग, यानी ब्राइट मॉर्निंग क्या होता है? बिल्कुल उजाला जो सुबह होता है, जो सूरज उगता है उसके बाद जो बिल्कुल रोशनी होती है ना चारों तरफ, तो बिल्कुल ब्राइट मॉर्निंग, यानी कहीं से भी कोई भी बादल नहीं छाया है, क्लाउडी वेदर नहीं है, बिल्कुल ब्राइट मॉर्निंग। ओके, सिंगिंग अ मैरी सॉन्ग, सो वो गाना गाता है, मैरी यानी हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय, यानी वो बहुत खुश होता है और खुशी से वो गाना गाता है। ओके, ऑन द वे, वो अपने रास्ते में उसे क्या मिलता है जहाँ से वो गुजरता है? ऑन द वे मतलब जिस रास्ते से वो जाता है, तो उस रास्ते में उसे कौन मिलता है? ही मेट हिज फ्रेंड बल्लू द बियर, उससे उसका दोस्त मिलता है जो कि एक बियर होता है और उसका नाम क्या होता है? बल्लू। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सैड बल्लू। तो इसका जो दोस्त इसे मिलता है तो ये तो गाना गाते हुए जाता है, तो गाना सुन के वो बोलता है, जो बल्लू होता है वो बोलता है कि अरे कितना अच्छा गाना है, आई विश देयर वॉज सम म्यूजिक फॉर योर सॉन्ग बट आई कैंट प्ले एनी म्यूजिक फॉर यू। तो बल्लू बोलता है कि तुम कितना अच्छा गाना, मतलब कितना अच्छा गाना है, काश मैं इसके साथ कुछ म्यूजिक भी प्ले कर सकता, लेकिन मैं नहीं प्ले कर सकता कोई भी म्यूजिक, ठीक है? तो अब नेक्स्ट देखेंगे, सडनली देयर वॉज अ साउंड इन द ब्रांचेस अबव देम। फिर उसी समय ना ब्रांचेस से कुछ साउंड आते हैं, मतलब पेड़ों के जो डाली होता है ना, पेड़ों का डाली होता है उसके ऊपर से, मतलब पेड़ कहाँ पर होते हैं? ऊपर में होते हैं, डाली भी ऊपर होते हैं, तो ब्रांचेस अबव द, मतलब उनके ऊपर जो ब्रांचेस हैं, जो डाली हैं पेड़ों के, उनमें से कुछ साउंड आता है। बल्लू एंड मोगली लुक्ड अप, तो और बल्लू और मोगली क्या होते हैं? ऊपर की तरफ मुँह करके देखते हैं। इट वॉज द मंकीज, और ये क्या होते हैं? ये मंकीज होते हैं ऊपर में, ठीक है? हॉलविंग एंड स्ट्रिकिंग द मंकीज ऑलवेज मेड अ लॉट ऑफ नॉइज।
तो हॉलविंग और शेकरिंग क्या होता है देख लेते हैं। हॉलविंग मीन्स मेकिंग अ लॉन्ग एंड लाउड साउंड लाइक क्राइंग। हॉलविंग मतलब होता है बहुत तेज से आवाज़ करना, बहुत लाउड साउंड में आवाज़ करना, जैसे चिल्लाते हैं ना, जैसे रोते हुए कोई बच्चा चिल्लाता है जोर से, उस टाइप का आवाज़ करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं मतलब मंकीज, हॉलविंग एंड श्रीकिंग। द मंकीज ऑलवेज मेड अ लॉट्स ऑफ नॉइज। मंकी हमेशा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं। वी हियर्ड यू दे चैटर्ड, वी कैन प्ले म्यूजिक फॉर यू। तो वो बोलते हैं कि हमने तुम्हें सुना, दे चैटर्ड, ठीक है, वो बोलते हैं ऐसा कि हमने तुम्हें सुना, वो इस तरह बात मतलब बात करते हुए बोलते हैं, वी कैन प्ले म्यूजिक फॉर यू, हम लोग तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। बट हाउ कैन यू प्ले म्यूजिक, यू डोंट हैव गिटार्स, ड्रम्स और एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दैट, सेड बल्लू। तो फिर बल्लू बोलता है कि अरे तुम लोग कैसे म्यूजिक बजा पाओगे, तुम्हारे पास ना ही गिटार्स है, ना ही ड्रम्स है और ना ही एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो फिर तुम लोग कैसे बजा पाओगे। तो बल्लू का भी कहना सही है कि अगर इन लोग के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इन लोग कैसे बजाएंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। द मंकीज जस्ट लाफ्ड, तो मंकीज हंसने लगते हैं। ओके, वी डोंट नीड एनी ऑफ देम, दे क्राइड, वह लोग चिल्ला के बोलते हैं कि हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। द मंकीज जम्प्ड ओवर टू द हॉलो ट्रंक, तो मंकीज क्या करते हैं, जंप करते हैं हॉलो ट्रंक से। तो ये हॉलो ट्रंक क्या होता है, अ होल और एम्प्टी स्पेस इनसाइड समथिंग, यानी एक खाली जगह, ठीक है, एक होल टाइप का बना होता है, और होल जैसा गड्ढा होता है ना उस टाइप से, और वो जगह खाली होता है जो कि अंदर होता है, ठीक है, ये जो ऑफ एन ओक ट्री के अंदर होता है, लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो वो क्या करता है कि जो होलो मतलब जो सूखी डाली एक तरीके से होता है ना, तो उसको ओक ट्री का जो सूखी डाली है उसे ग्राउंड में, ग्राउंड यानी नीचे गिरा देता है पहले, ठीक है, उसको बिछा देता है नीचे मंकीज, ठीक है। दे हिट इट विद देयर हैंड्स एंड मेड अ नाइस साउंड, और वो क्या करते हैं, इस चीज़ को हिट करते हैं, हिट करना यानी जोर जोर से उस पर मारना, ठीक है, तो उस हिट करते हैं जिससे बहुत अच्छा साउंड आता है। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे क्या है। देखो यहाँ पर सब किस तरीके से सब इंजॉय कर रहा है, ये इस टाइप का जो होता है इसको सब कोई बजा रहा है हाथ से, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ क्या है। सम ऑफ देम ब्राउट ड्राइड गॉड्स विथ सीड्स इन देम एंड स्टार्टेड शेकिंग देम लाइक रैटल्स। तो कुछ क्या करते हैं कि ड्राइड गॉड्स ले आते हैं, जो सूखी लौकी होती है ना, सूख जाती है लौकी, उसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि सूखी लौकी है अंदर में सीड्स हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं उसको, हिलाने से शेक करने से आवाज़ करते हैं। तो वो लोग सूखी लौकी ले आते हैं और उसको हिलाने लगते हैं जिससे कि रैटल्स आवाज़ आता है। रैटल मीन्स क्या होता है, टॉयज दैट मेक लाउड साउंड्स व्हेन दे आर शेकन। जब हम लोग रैटल्स को हिलाते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ज़ोर से साउंड आता है रैटल में से, तो उस चीज़ को रैटल बोलते हैं। तो यहाँ पर रैटल्स किसको बोला जा रहा है, लौकी को, जो कि गार्ड को लौकी बोला जा रहा है। तो उसमें से कैसा आवाज़ आ रहा है, छंग छंग छन छंग छंग, ठीक है, तो इस टाइप का उसमें से छन 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 टाइप का आवाज़ आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्या है, मेक दिस साउंड्स अलाउड एंड डू द एक्शंस, बोला जा रहा है कि इस साउंड्स को जोर जोर से बजाने और इसके साथ एक्शन करने। तो क्या है, पहला डग बग डब डबा डब, छन 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 छंग, ट्वंग 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 ट्वंग, कितना अच्छा लग रहा है ना ये म्यूजिक बोलने में। बच्चों तुम लोग भी इस चीज़ को ट्राई करना, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, और इस चैप्टर को रीड भी करोगे, है ना, उसके बाद फिर ये म्यूजिक को भी बोलोगे जिस तरह से मैंने बोला है। तो अब आगे देखेंगे क्या है। अ फ्यू मंकीज ट्राइड सम वाइंस टू अ फ्यू ब्रांचेस एंड बिगिन टू प्ले देम लाइक गिटार्स। और कुछ मंकीज क्या करते हैं कि जो वाइंस होते हैं ना, वाइंस मीन्स क्या होता है, स्टीम्स ऑफ प्लांट्स दैट कैन क्लाइंब, प्लांट के कुछ स्टीम्स होते हैं एकदम, मतलब जैसे लंबे लंबे स्टीम्स, लत टाइप के होते हैं। तो उन लतों को क्या किया कि उन लतों को अच्छे से टाइट करके बांध दिया, ठीक है, सबको जोड़ के टाइट से बांध दिया जो लत होती थी। तो उसके बाद फिर क्या किया, उसको
गिटार जैसे बजाने स्टार्ट किया, उसको ब्रांचेस से, उसको डाली से बांध दिया, ठीक है, जो लंबे लंबे वाइंस होते थे, लत होते थे, उनको क्या किया कि ब्रांचेस में जो डाली होती है ना पेड़ों की, तो उसमें बांध दिया और फिर स्टार्ट कर दिया उसको बजाने, लाइक गिटार, गिटार की तरह। कैसे देखते हैं, ट्वंग ट्वंग दे वेंट, ट्वंग 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 ट्वंग, जैसे गिटार का थोड़ा मोटा आवाज़ आता है उस टाइप का, देखो आवाज़ वो लोग उसमें से क्रिएट किया, किसमें से, जो कि तुम्हारा ब्रांचेस था, मतलब वाइंस था, उसको एक साथ सब लत को बांधा, उसको ब्रांच से बांधा और उसमें से आवाज़ निकालना स्टार्ट किया। ओके, देन क्या है? देखते हैं, व्हाट अ वंडरफुल म्यूजिक बैंड यू मेक, है ना, एक्सक्लेमाइड मोगली। तो अब जो मोगली होता है ना वो एक्सक्लेमाइड करके बोलता है, या फिर एक्सक्लेम्ड भी इसको बोलते हैं और एक्सक्लेमाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोगली क्या करता है कि बिल्कुल सरप्राइज्ड होके सेड समथिंग लाउडली टू शो सरप्राइज, है ना, कुछ बोलना लाउडली, मतलब सरप्राइज होके, सरप्राइज यानी अचंभा होके, एकदम बिल्कुल चौंक जाना किसी चीज़ को देख के। तो मोगली क्या होता है, बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है उनके म्यूज़िक को सुन के, जो कि मंकीज़ ने क्रिएट किया है। किससे किससे क्रिएट किया है, जो गॉड्स होते हैं उनके, जो सूख जाते हैं उनके अंदर जो सीड होते हैं, तो गॉड्स को शेक करके और ये जो बाइंस हैं इनको अच्छे से ब्रांच में पूरा बांध के, जो भी लत, मतलब लत होती हैं, ठीक है, तो उसको ब्रांचेस, जो मतलब ब्रांचेस से बांध के उसको बजा कर, तो इससे बहुत अच्छे साउंड आते हैं। सो मोगली सैंग हिज सॉन्ग एंड हिज मंकी बैंड प्ले अलोंग विथ हिम। तो फिर मोगली क्या करता है, बैंड के साथ गाने लगता है, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छे बैंड बजाते हैं, तो बैंड के साथ वो लोग बैंड प्ले करते हैं, जो मंकी होता है, और मोगली उनके साथ गाने लगता है। द साउंड ऑफ द बैंड वॉज सो गुड दैट बल्लू हैड अ डांस एंड सिंग टू। तो क्या होता है कि उसका जो बैंड का साउंड होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो जो बल्लू होता है तो उस सॉन्ग का साउंड सुन के वो देखता है बहुत अच्छा साउंड है, और वो उसके साथ डांस करने लगता है और गाने भी लगता है। तो कैसा गाता है, बॉबडी डू द बॉबडी डू, ठीक है, तो इस तरह का साउंड निकलता है, है ना, बॉबडी डू द बॉबडी डू। व्हाट अ लवली टाइम दे हैड, उन लोगों ने कितना अच्छा टाइम बिताया था, है ना, इस सारे चीज़ों को जो हमने पढ़ा। तो अब ये कहाँ से लिया गया है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखा है, जहाँ से ये एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। ओके, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, टिल देन बाय। और मेरी अगर इस मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी लेके आऊँगी और आगे के और भी चैप्टर्स को मैं बताऊँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।